सुनेंगे सर, जब आप इंटर पढ़ रहे होंगे विद्यार्थी जी और अच्छे से पढ़े होंगे भाई साहब, तो मैथ और फिजिक्स दोनों में एक चीज पढ़ा, क्या था पढ़ना विद्यार्थी जी? एक बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर निकालना होता है, पढ़े होंगे पक्का फिजिक्स में बस, और एक डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर निकालना होता था या नहीं होता? तो सुनेंगे भाई साहब, किसी भी चैप्टर में विद्यार्थी जी उसके नाम में ही सारे चीज छुपे हुए होते हैं, उसके नाम में से विद्यार्थी, जैसे इस अध्याय का नाम है विद्यार्थी जी कैसा प्रणाली, द्विव आधारिक प्रणाली, इसको यदि जो संधि भी छेद करो इसे तोड़ो विद्यार्थी तो कैसे होगा भाई साहब? द्विव, अरे हाँ या ना, अपा द्विव अपलस कौची आधार, हाँ कि ना? यदि जो विद्यार्थी जी इसके संस्कृत की भाषा से तोड़कर इसे विद्यार्थी जी हम लोग अपने हिंदी की भाषा में लाएं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो, यानी जिसका आधार कहे हो दो, दो। तो इसका परिभाषा पक्ष निकला विद्यार्थी जी कि दो को आधार मानकर, किसको आधार मान, दो को आधार मानकर संख्या के लिखने की प्रणाली को द्विव आधारी प्रणाली कहा जाता है। लिखिए लिखिए, दो को आधार मानकर, दो को आधार मानकर, दो को आधार मानकर किसी भी संख्या, दो को आधार मानकर किसी भी संख्या के लिखने की प्रणाली को, किसी भी संख्या के लिखने की प्रणाली को द्विव आधारी प्रणाली कहा जाता है, द्विव आधारी प्रणाली कहा जाता है, द्विव आधारी प्रणाली कहा जाता है। बोलेंगे साहब, आधार किसको मानना है? दो को मानना है। आधार किसको मानना है? तो ये कैसे बनेंगे हिसाब विद्यार्थी जी, इसमें कैसे हम लोगों को जानकारी लेना है, जो जरा सा सुनिएगा। सभी बच्चे हेडिंग बना लिए हैं ना, तो आइएगा। अब पांच मिनट विद्यार्थी जी कुछ ना बोलो, सिर्फ मैं जो करता हूं उसे तुम देखो, और यदि जो एक आध दो क्वेश्चन में समझ ना भी आवे तो जरूर बोलना भाई साहब कि सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना। आइएगा, मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन और लकी क्वेश्चन, कितना बार ये क्वेश्चन पूछी गई होगी जो कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है विद्यार्थी कि 29 को, किसको, 29 को द्विव आधारी, 29 को द्विव आधारी प्रणाली में बदलें। लिखा हुआ कट रहा है, कटा नहीं है ना, पता चल जाता। चलिए आइएगा, किसको लिखना है भाई साहब, और किस प्रणाली में विद्यार्थी? द्विव आधारी प्रणाली में। द्विव आधारी का मतलब यह हुआ विद्यार्थी जी कि उसका आधार कितना मानना, दो आधार मानकर संख्या को लिखना है भाई साहब। तो आइएगा जनाब, देखिएगा जरा सभी विद्यार्थी जी, संख्या के प्रणाली में संख्या को द्विव आधारी प्रणाली में बदलने के लिए किया क्या जाता है, मैं सिस्टमैटिक कर रहा हूं। आइए, हमेशा भागा कैसे, क्योंकि आधार क्या माने, सही है ना, हमेशा भागा कितना से, तो सुनेंगे, जितना बार में लगेगा वो बीच में रखना, शेष बचे या न बचे विद्यार्थी जी उसको साइड में लिखना। तो बोलेंगे इकाई है 29 है ना, दू से मैं यदि जो 29 में भागा लगाऊं तो कई बार में लगेगा, अरे हाँ या ना, तो दू से 14 बार में लगा विद्यार्थी जी, सही है ना। तो बोलेंगे दू से 14 बार में लगा तो 14 दुनी, तो रिमाइंडर कई बचे, अरे हाँ या ना, फिर इसमें दू से लगाएंगे विद्यार्थी जी तो दू का दू दू सते, तो रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा, बोलो विद्यार्थी, आगे फिर से दू से लगाओ विद्यार्थी जी, दू से तो दू तिया, तो रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा,
फिर दू से लगाओ तो दू से दू बार में लगेगा कि एक बार तो दू एक कम दू तो रिमाइंडर क्या बचा क्या अब और भाग लगेगा क्या तो सुनेंगे संख्या का आंसर लिखने के लिए भाई साहब ऊपर से नहीं दोस्त नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है तो बोलेंगे नीचे से तो नीचे कौन है एक 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 जीरो इसका बेस क्या है क्या यह क्वेश्चन आप समझे बोलो अब एक और छोटा सा बात मैं छोड़ के चला गया उस बात को पहले मैं बताता हूँ सुनिएगा क्या बात मैं बता रहा हूँ जो संख्या तो दो को अच्छा से पहचान रहा होगा आप दो से किसी भी संख्या में भाग लगाइए दुई कंडीशन होगा या तो वो पूरी पूरी कट जाएगी या तो रिमाइंडर कह दे क्या दो से भाग देने पर दो से बड़ी कभी रिमाइंडर आएगी नहीं यदि जो रिमाइंडर दो से बड़ा गया तो फिर तो उसमें भाग लग ही जाएगा अरे हाँ कि ना तो दो से भाग देने पर एक कंडीशन की दो कंडीशन कंडीशन नंबर फर्स्ट विद्यार्थी जी या तो वह संख्या पूरे पूरे तो जब संख्या पूरे पूरे कट जाए तो रिमाइंडर बचेगा कि रिमाइंडर जीरो हो जाएगा रिमाइंडर शून्य होगा विद्यार्थी जी और जब संख्या पूरे पूरे नहीं कटेगी तो यह शाश्वत सत्य है कि रिमाइंडर कै बचेगा एक बचेगा और इसके अलावे जीरो मतलब वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी यह एक बड़ा बात था विद्यार्थी जी द्विआधारी में फिर से इस बात को बोलेंगे दो से भाग देने पर किसी संख्या में रिमाइंडर या तो जीरो या तो जीरो या तो एक जीरो का मतलब वो संख्या नहीं कटा कि पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा कट गया उस संख्या को विद्यार्थी जी दो से कटने वाली संख्या भी कह सकते हैं अरे हाँ या ना और जब संख्या दो से नहीं कटेगी तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज कहीं आएगा क्या एक से बड़ी कभी रिमाइंडर आ सकती है क्या जैसे अगला क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं विद्यार्थी देखेंगे सर लकी क्वेश्चन दो की ओर बढ़ रहा हूं विद्यार्थी जी 65 कितना 65 तो देखेंगे सर कटने न रहा कटने चलिए भागा कैसे देना दो से तो दो से भाग लगाएंगे साहब तो दो से बोलो 32 दुनी 64 बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा साहब 32 दुनी 64 तो रिमाइंडर कितना एक फिर से दूसरे भाग लगाओ 16 दुनी रिमाइंडर कितना दो से भाग लगाओ जीरो दो से भाग लगाओ जीरो अरे हाँ कि ना दो से भाग लगाओ दो दुनी चार दो से भाग लगाओ दो एकम दो नीचे से ऊपर 100 फिर से 001 इसका बेस क्या है हमें लगता है 5 क्वेश्चन अब जाने की क्या आवश्यकता है क्या तूने 2 क्वेश्चन में ही समझ लिया अरे हाँ या ना तो मैं यदि जो दूं विद्यार्थी जी आपको बनाने के लिए तो क्या द्विआधारी में बदल सकते हैं पक्का कि कोई दिक्कत होगा एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा रहा हूँ विद्यार्थी जी चलिए देखिएगा विद्यार्थी देखेंगे साहब मैं यहाँ पर लिया विद्यार्थी जी इसका बेस ले लीजिए यहाँ पर 001 000 000 001 000 मैं एक संख्या तीसरा लकी क्वेश्चन की ओर बढ़ा विद्यार्थी जी और लिखा भाई साहब 121 ये जितना भी लकी क्वेश्चन है जैसे ना चंदा आते 121 रुपए ना विद्यार्थी जी वही वाला है रियल बातें कह रहा हूँ भाई 29 इतना बार पूछा होगा विद्यार्थी जी 29 बार से ज्यादा पूछा होगा 29 को ना विद्यार्थी जी 29 बार से ज्यादा पूछा होगा 65 के विद्यार्थी जी 165 बार से ज्यादा पूछा होगा 121 तो अनगिनत है भाई साहब कितना बार पूछा गया है ना तो आइएगा समझिएगा अभी सभी बच्चे बोलेंगे भाई साहब एक बार हमेशा 5 से भागा कि दो से तो बोलो कई बार में रिमाइंडर दू से रिमाइंडर दू से रिमाइंडर दू से रिमाइंडर दू से कितनी द्वितीय रिमाइंडर दू से कई बार रिमाइंडर नीचे से कहाँ तो हो सकता है क्या अरे हाँ या ना तो लिखे हुए बोर्ड पर वाला आप उतार लीजिए चीज चलो देखो जी देखो पीछे स्केच रख दिया
ये सब सारा बना? और इधर आओ, ज्यादा देर हो गया, बना कि नहीं बना? यस। चलिए देखिएगा, आ जाओ साहब। हमेशा भाग लगाना है कितना से? दो से। दो से बोलो, 77 दुनी 154, एक। दो से 38 दुनी 76 ना, एक। दो से 19 दुनी 38, जीरो। दो से 9 दुनी 18, एक। दो से 2 चौका 8, एक। दो से 2 दुनी 4, जीरो। दो से 2 एकम 2, नीचे से कहाँ? ऊपर। तो 100, 110। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा साहब, सभी बच्चे अपना अपना मिलाएंगे। दो से कई बार में? 100 बार। और दो से कई बार में? 100 बार। रिमाइंडर बचा कि जीरो? दो से 50, दो से 25, दो से 14, 12, का है एक ना बच गया। दो से 6 दुनी 12, दो से द्वितीया 6, दो से 2 एकम 2, नीचे से कहाँ? चलिए विद्यार्थी जी, दूसरे काटिए। 44 दुनी 88 तो क्या है? 22 दुनी 44 तक कितना? दूसरे 11 दुनी 22 तक कितना? दूसरे 5 दुनी 10, क्या सब मिल रहा है? 75 वाला निकालो विद्यार्थी जी। दूसरे 37 दुनी 74, दो से 18 दुनी 36, एक बचा। और दो से 9 दुनी तो जीरो बचा। दो से 4 दुनी 8 तो एक बचा। दो से 2 दुनी 4 तो जीरो बचा। दो से 2 एकम 2 तो जीरो, सही है ना? यस। आगे 151, दो से 75 दुनी 150 तक कितना? आगे दो से 37 दुनी 74 तो कितना? दो से 18 दुनी 36 तो कितना? दो से 9 दुनी 18 तो कितना? दो से 4 दुनी 8 तो कितना? दो से 2 दुनी 4 तो कितना? दो से 2 एकम 2 तो कितना? देख भाई साहब, किसका किसका ये डायग्राम मिला जो बताओ तुम। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, किसका किसका मिला? नहीं मिला? चलिए एक बात बताओ, मिला या ना मिला, ये कोई बड़ी चीज है? मिला, समझ में आया? Yes, बोलो जी। Yes, बन सकते हैं आपसे? Yes, अब एक बात बताओ, सुनो, हिसाब तब सही माना जाता है, हिसाब तब सही माना जाता है जब LHS बराबर RHS। बोलिए, गलत बात बोल दिया कि सही बात? सही बात। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ विद्यार्थी जी, क्या इतना बराबर मतलब कि इतना बराबर सही में इतना होगा, और क्या इतना बराबर सही में इतना होगा, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। देखिएगा भाई साहब, मिटा सकते हैं ना? यस सर। देखो जी, आपके दिए गए संख्या में से एक को मैंने लिख लिया, अभी कपिया कलम के छोड़ देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोड़ दो कॉपी कलम तो पांच में छठा से पकड़ ले भाई साहब, कोई फायदा मिला? अरे ना मिला, कंपटीशन में दिमागी खेला जितना करो उतना अच्छा रहेगा, कारण कैलकुलेटरों से फास्ट होता है दिमाग का कैलकुलेशन। कैलकुलेटर में बिना एंट्री का कैलकुलेशन देगा, और उसमें एंट्री करना पड़ा 5×4 तब 5 लिखे पड़ेगा, गुना लिखे पड़ेगा, 4 लिखे पड़ेगा, हो जाएगा इक्वल टू दावे पड़ेगा, तब 5×20 लिखे, और दिमाग में सब करे पड़ेगा, तो दिमागी कैलकुलेशन सबसे अच्छा कैलकुलेशन है। देखिएगा एक बात बता भाई मेरे, नीचे से कहाँ लिखा जाता? मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन में ही तुमको समझाने का ये एकदम वादा करता हूँ भाई, लिखेगा क्या? 1 0 1 1 0 0 1। कटा है ना? कट गया? देखिएगा, इससे इसको साबित करने के लिए चलना पड़ता है दाहिना तरफ से, चलना पड़ता है कौन तरफ से? अब सुनो भाई साहब, आधार क्या मान गए? अब सुना जो जहर बोल रहे हैं, जो बात की जहर क्या बोल रहे हैं कि LHS को RHS प्रूफ करने के लिए या RHS को LHS प्रूफ करने के लिए कौन साइड से? दाया साइड से चलेंगे, और 2×0 से लिखते हुए बाएं ओर बढ़ेंगे। 2×0 कैसे? जीरो से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे तुमको हम छोटा करके सिखाते हैं भाई साहब,
पहले बड़ा मैं इसी को बोलो, हमने बोला दाहिना तरफ से पढ़ना है, तो जी सर समझाने के लिए एरो सामने सामने लिख देते हैं भाई साहब। अरे आगे ऐसी डायरेक्ट तू लिखेगा विद्यार्थी जी, इतना दे दूंगा। शुरू करना दुख के पावर कैसे, बोलते हैं तो अच्छा लगता, नहीं बोलते तो खराब लगता। बोलो दुख के पावर कैसे, दुख के पावर जीरो। अब लिखना पड़ेगा एक ना, अब दुख के पावर दो, दुख के पावर तीन, दुख के पावर चार, दुख के पावर पांच, दुख के पावर छह। सुनेंगे इसका आप मान निकाल लो, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। बोल मेरे मालिक, पावर जीरो का मतलब किसी भी संख्या के पावर जीरो का मतलब, दुख के पावर एक का मतलब दो, दुख के पावर दो का मतलब चार, दुख के पावर तीन का मतलब, दुख के पावर चार का मतलब, दुख का पावर पांच का मतलब, दुख का पावर छह का मतलब। क्या इतना सा है तुम्हारे पास दिमाग ये लिखने का? अरे हो जाएगा तो है कौची याद करेला जे हम बोलते हैं, यदि ये नहीं याद है तो ये याद हो गया। ऑलवेज यही ट्रिक लगेगा, एक के बाद दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ दुनी बोला गया। अरे जल्दी आइए ले, चौसठ दुनी आप बोलेगा, एक सौ अट्ठाईस दुनी बोल जल्दी आइए। देखिएगा इतना ही याद कैसे रहता आप लोग को भाई साहब। अब बोल दिए देखिए कहानी कितना खत्म है जी, हम बताते हैं पचपन दुनी डेढ़ सौ। अब बोलता भाई डेढ़ सौ मैंने हम लिख दिया तो सही है, हम लिख दिया तो सही है भाई साहब। क्या कहा जाता पता, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा जाके फंस जाना है, फंस जाना है आई। तो चलिए सुनिएगा, बोलो बाबू फिर से दाहिने तरफ से लिखना शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे दुख के पावर कैसे, जहां तक जाएंगे जहां तक जाए विद्यार्थी जी क्वेश्चन का बात वहां तक लिख देंगे, उसका मान निकालेंगे। अरे हाँ है ना, अब सुनो जेकर जे सामने मान आया है उससे गुना कर दो, उससे क्या कर दो गुना कर। तो चलो गुना करो, बोलो एक एकम एक, आई जीरो, जीरो के लड्डू लड्डू है ना, तो लड्डू के लिखे कि ना लिखे कोई तवाही, कोई तवाही नहीं, ले ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये होगा कि होगा, ये लिखाएगा आइए आइए। अब जो लिखा उसको ऐड कर दो, तो बोलो चौसठ सोलह सत्तर जी कहते हो गया है, चौसठ सोलह अस्सी ना, चौसठ सोलह कितना अस्सी है आठ, अठासी है एक, आगे विद्यार्थी जी। तो बोलो भाई साहब ये सही की गलत, तो हम आपको फिर से क्या समझाना चाह रहे हैं जो सुनो विद्यार्थी, जब तक दिमाग तीक्ष्ण नहीं लगाएगा, दिमाग को अपना तेज नहीं बना के काम करेगा तो जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो जे सामने जीरो रहेगा तो ओरल लिखने नहीं, जे सामने जीरो है उसको लिखने नहीं है। जैसे यही की शर्मा के देखो कैसे बनाना है, लिखा कौन सी है बन रिया वन जीरो डबल जीरो डबल वन जीरो डबल वन डबल जीरो सिंगल वन। बोलो जैसे हम की बोले हैं याद है कि नहीं याद है जो फिर से देखते हैं, एक दो दुदुनी चार, ओ खत्म हो जाए इनर्ट हता नहीं, देखिए जैसे भाई साहब। अरे हमेशा ये ट्रिक लगेगा, याद होना चाहिए दुगने के तो पहाड़वा चला है भाई साहब। शुरू कैसे, एक दुनी दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्ती दुनी चौसठ दुनी, यही तो बोल रहे हैं हम। शुरू करना कैसे, एक से विद्यार्थी जी, उसका दुगना करते जाना भाई साहब, एक दुनी दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ सोलह इस तरह से। तो बोलो जैसे भाई साहब सुनना बाबू, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते ही सोचना, जैसे बोला ली ये आ सामने देखा कि कोई जीरो छोड़ के कोई संख्या है तो लिखेंगे, और यदि जो जीरो रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बोलो जैसे शुरू करेगा कैसे, एक अबरी अरे एक के बाद क्या है तो दू तू लिख दिमागवा में बोला और सामने को चाहिए बढ़ जाएंगे ना, दुदुनी बढ़ गए विद्यार्थी जी, चार दुनी आठ दुनी बत्तीस लिखाएगा अच्छा चौसठ। अब देखो तो वही चीज छोटा हुआ कि नहीं, तो करना वैसे है कि करना ऐसे है, याद रहेगा विद्यार्थी, तो उसको खूब अच्छा से लिखो, हेडिंग बना के टाइप टू
टाइप टू में लिख दीजिएगा, वो टाइप वन था विद्यार्थी जी, डेसिमल टू बाइनरी, नहीं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए हेडिंग बना लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल। हो गया? यस। चलिए चलो देखो साहब, सिखाना है आप लोगों को भाई साहब। पहले बदलना किसको है? 71 को। 71 को सभी ध्यान दो इधर, इतना देर में आ जाना चाहिए था। दू से लगाएंगे ना भाग? यस सर। तो 35 से एक बचेगा, दू से 17 तो एक बचेगा, दू से 8 तो एक बचेगा, दू से 4 तो 0 बचेगा, दू से 2 तो 0 बचेगा, दू से 1 बार तो 0 बचेगा। नीचे से ऊपर ना, पहले आप अपना मिलाओ कि क्या हमने यही लिखा है कि नहीं लिखा है। जो 10 की 1000 ट्रिपल जीरो ट्रिपल देखो तो पहले इतना मिला किसी का कि नहीं मिला? यस सर। बोलो विद्यार्थी। यस सर। इसका बेस क्या है गोतिया? दो। और इससे निकालना है ई वाला, तो बोलो शुरू कैसे? एक से शुरू कैसे? एक के बाद दो के बाद चार के बाद छह आठ, ना दुगना होते जाना है, आठ के बाद 16 इस तरह से। तो शुरू कैसे? आई खाली देखिएगा बोलिएगा और सामने दिखिए कौची तू लिखना है कि नहीं लिखना है। तो बोलो शुरू कैसे? अबरी अबरी ई लिखाएगा? तो नहीं लिखाएगा, तो कई नहीं लिखाएगा? आठ के बाद 16 के बाद अबरी कौन लिखाएगा? 64 68 270 1। बोल भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे बताओ समझ में आया? बोलो विद्यार्थी जी। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ भाई साहब, उसको आप बदल लीजिएगा। बोलो तो चलिए बदलना चालू करिए क्वेश्चन। 1101 0 0 1 1 1 0 बनाइए 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 बताइए। तीन को मैं दिया आपको विद्यार्थी जी, तीन क्वेश्चन मैं आपको दिया भाई साहब। मिलाओ सभी बच्चा भाई साहब, चलो जल्दी जल्दी बोलो। तो तेजा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तेजा 2 4 8 16 नहीं लिखाएगा, 32 नहीं लिखाएगा, 64 लिखाएगा, 128 जोड़ दो 200 क्या सही है जी? अब आगे 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 4 नहीं लिखाएगा, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 64 128 ये 256 आता है क्या? 227 आगे 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 4 लिखाएगा, 8 16 24। बोल भाई समझ में आया कि दिक्कत हो गया? ना ना सभी बच्चों को समझ में आया ना? उतार लीजिए जिन